मेरे को सीखना है धीमा बोलना। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन, द टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड माइनस टू क्यू एंड प्लस क्यू आर लोकेटेड एट अ पॉइंट ए और एंड फोर ए रिस्पेक्टिवली। वॉट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू अ स्पीयर ऑफ रेडियस 3a विथ इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। क्वेश्चन समझ आया? नहीं आया, चलो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जो कि ये बोल रहा है। अपने पास दो चार्जेस दिए गए हैं, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, मान लेता हूँ चार्ज ए सिंपल क्यू, क्यू वन कितना है उसका मैग्नीट्यूड है प्लस, प्लस नहीं माइनस है, माइनस माइनस टू क्यू, और दूसरे का चार्ज का मैग्नीट्यूड है क्यू प्लस क्यू। सिंपल से दो का मैग्नीट्यूड हो गया और रिस्पेक्टिवली उनका लोकेशन क्या है, एक शेल है अपने पास, ठीक है, एक शेल में उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, दो पार्ट्स में अभी जनरली बोला है, तीसरा पार्ट आखिरी में बोला है, ठीक है, मान लेता हूँ ये पूरा का पूरा एक शेल है। अब इस शेल को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, पहला तो डिस्टेंस अपने पास बोला है कि जो एंड आर लोकेटेड एट ए एंड फोर ए, मतलब ये चार्ज किस में लोकेटेड है, फोर ए में नहीं भाई, ए में, ठीक है, तो ए और इसके बाद ये वाला चार्ज क्या है फोर ए, ठीक है, इस वाले स्पीयर पे कितना है टू क्यू चार्ज है, इस वाले स्पीयर पे प्लस क्यू चार्ज है। समझ आया क्वेश्चन? चल, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू अ स्पीयर ऑफ रेडियस 3a। तो अगर एक नया रेडियस हम फॉर्म करते हैं इसी सर्कल पे, ठीक है, उस रेडियस कितना है, वो रेडियस है अपना 3a। कौन सा रेडियस है? 3a मान लेता हूँ उसका रेडियस, ये रेडियस 3a। तो इस रेडियस 3a पे कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स होगा, मतलब टोटल फ्लक्स अपने को कैलकुलेट करके बताना है, सिंपल सी बात। चलो सबसे पहले फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, फ्लक्स का दो फॉर्मूला है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ फॉर अ क्लोज सरफेस, ठीक है, ई डी ए ठीक इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, दो फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले ये फॉर्मूला, तो फ्लक्स का अपना एप्लीकेबल फॉर्मूला तो ये वाला होगा, दैट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, थ्रू दिस फॉर्मूला वी कैन एक्सप्रेस दीज इक्वेशंस, ठीक है, एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको। तो अपने पास 3a दिया है डिस्टेंस, तो 3a में एक बात जिसको याद आ गई, यहाँ पास पुरानी बात है, ठीक है, जो अपन पिछले लेक्चर में सबसे पहले लेक्चर में देखे थे कि प्रॉपर्टीज में देखे थे गॉस थ्योरम के, कि दैट जो गॉसन सरफेस के बाहर चार्ज लोकेट होगा वो कोई भी इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेगा जो चार्जेस गॉसन सरफेस के अंदर प्रेजेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया या फिर जो कंसिडर कर रहे हैं, जो चीजें चार्जेस कंसिडर करके चल रहे हैं मान लो, ठीक है, तो उनमें कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। मान लेता हूँ ये मेरा गॉसन सरफेस कितना है 3a का दिया है, और अपने वाले 4a मतलब 3a के जस्ट बाहर 4a पे क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है, तो ये प्लस क्यू चार्ज अंदर वाले को किसी को डिस्टर्ब करने की ट्रेडियंसी रखेगा ही नहीं, ठीक है, ये गॉसन थ्योरम्स की प्रॉपर्टीज है, ठीक। तो उसी प्रॉपर्टीज के हिसाब से अगर सिंपली हम 3a के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो अपना वैल्यू क्या आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू चार्ज कितना प्रेजेंट है माइनस टू क्यू, माइनस टू क्यू, ठीक है, और एफ सेवन नॉट आ जाएगा आपका फ्लक्स। चलो सिंपल सा क्वेश्चन था, एक मार्क्स का क्वेश्चन था, इसलिए फटाक्स हो गया, वैसे समझाने में टाइम लगा है 4 मिनट, बाप रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ देता हूँ या रीड कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब फिगर सो 9 इसका सबसे पहले एक फटाक से डायग्राम बना लेते हैं, रब कर देता हूँ। तो गॉसन सरफेस के कुछ इसी पढ़ाते पढ़ाते और प्रॉपर्टीज बता देते हैं। देखो गॉसन सरफेस का एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि आउटर चार्जेस के ऊपर कतई भी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, आउटर चार्जेस उसके ऊपर कतई भी इफेक्ट नहीं डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम कुछ इस तरह से अड़मंडनोंट्स है, ठीक है, इस पे अंदर में क्या चार्जेस दिया गया है, अंदर पे अपने पास प्लस टू क्यू चार्ज दिया गया है और एक इसी पोजिशन में अपने पास माइनस क्यू चार्ज दिया गया है, ठीक है, ये एस सरफेस है, इसी के जस्ट बाहर 3q चार्ज दिया गया है, ठीक है। चलो इतनी इंफॉर्मेशन अपने को दी गई है। अ फिगर शोज अ 3 चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू एंड प्लस 3 आर इनक्लोजेड इन अ एंड आर शोन इन द फिगर। टू चार्जेस जो कि प्लस क्यू एंड माइनस क्यू वो गॉसन सरफेस के अंदर है,
ठीक है, ये जो सरफेस ड्रॉ किया हूं अंड बंड सा, वो गॉसन सरफेस है, सिंपल सा। एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस कॉन्फिगरेशन थ्रू द सरफेस एस, मतलब एक ये जो सरफेस एस दिया गया है, इस सरफेस एस में कितना फ्लक्स इंक्लोज करेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, जो पिछला वाला क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है। समझ आ गया? चल, अपने को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फाइव इज कश टू क्यू बाय एफ सेवन नॉट, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस टू क्यू और माइनस क्यू बाय एफ सेवन नॉट, तो फ्लक्स इज कश टू क्यू बाय एफ सेवन नॉट। चलो आ गया, तो आ गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं फटाक से, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में बोलोगे कम्प्लीट है, मस्त भाई एच डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया गया है अपने पास 3×10³ न्यूटन पर कूलम थ्रू अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 10 सेंटीमीटर विच इज हेल्ड नॉर्मल टू, मतलब जो कि नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड गया है वहां पास से, सिंपल है। चलो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ये समझा देता हूँ। देखो अपने पास क्या है, एक सरफेस है, जो एक स्फेरिकल सरफेस है जिसका एक साइड का क्या है, एक साइड का साइज क्या है 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी दी गई है, अपने को फ्लक्स निकालना है, सिंपल। तो अपन क्या यूज करेंगे यहाँ पास, पहला वाला फॉर्मूला, दैट फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ ई इनटू डीए इज इक्वल टू क्यू बाय एफ सेवन नॉट। तो यहाँ चार्जेस तो दिया ही नहीं गया है, ठीक है, तो इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, बट ये पहला वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा फ्लक्स को निकालने के लिए, क्योंकि अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 3×10⁻³ आई आइजैक, मतलब ये तो डायरेक्शन शो कर रहा है सिर्फ और सिर्फ, और वहीं पास एरिया मतलब ए साइड, साइड ए क्या है, यहाँ साइड है, ठीक है, एरिया मत समझ लेना, साइड है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको 10 सेंटीमीटर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को किसको इसमें चेंज करना पड़ेगा, मीटर्स में तो ये 0.1 मीटर आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब। चलो आगे बढ़े, सिंपल। तो अपना टॉपिक क्या है, सबसे पहले अपने को तो ए की वैल्यू मालूम चुकी, मतलब एक स्क्वायर के एक साइड की साइड कितनी है, उसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज कर दिए तो 0.1 मीटर हो जाएगा, सिंपल सी बात। चलो तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने को कितनी दी गई है, 3×10³, और ये सब मीटर्स में लेना है तो मीटर्स में, और एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जनरली मैं 0.1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो फ्लक्स इज इक्वल टू 3×10⁻³×0.01 लिख सकते हैं इसको, हाँ सिंपल। तो ये कितनी आ जाएगी अपनी वैल्यू, 30 न्यूटन्स मीटर्स बाय कूलम इनवर्स, 13 न्यूटन्स मीटर्स बाय कूलम इनवर्स, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। चलो फटाक से स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ हो गया। कंसीडर अ टू हॉलो स्फीयर, दो मिनट डायग्राम बना दूं फिर फटाक से आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलो हो गया, अब क्वेश्चन रीड कर देते हैं, फटाक फटाक करेंगे, ठीक है, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। कंसिडर टू हॉलो कंक्रीट स्फीयर एज वन एंड एज टू इंक्लोजेस अ चार्ज प्लस टू क्यू एंड फोर क्यू, एक में चार्ज क्या है प्लस टू क्यू और एक में चार्ज अपना प्लस फोर क्यू है रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। क्वेश्चन वन क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम, मतलब रेशियो फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन वन इसका पार्ट वन, ठीक है, क्वेश्चन का पार्ट वन मान लिख के चलना। तो अपने को क्या 5:1 रेशियो ऑफ 5:2 फाइंड करना है, ठीक है ना, ये वैल्यूज को फाइंड करना है क्या आएगी। चलो तो सिंपल से अपन क्या कर लेते हैं, इसको एज सॉल्व करना चालू करते हैं। तो सिंपल से मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इज इक्वल टू क्यू बाय एफ सेवन नॉट होता है, ये अपने को मालूम है। तो सिंपली अपन क्या लिख सकते हैं, 5:1 इज इक्वल टू, सबसे पहले अंदर वाले के कारण इनक्लोज चार्ज निकालेंगे, फिर बाहर वाले के फ्लक्स
कितना प्रोड्यूसर है। सबसे पहले क्या निकालने, फाइव वन इसमें मान लेते हैं, इसमें फाइव वन प्रोड्यूसर है और इसमें फाइव टू प्रोड्यूसर है, सिंपल सा बात। चलो तो फाइव वन क्या आ जाएगा अपना, टू क्यू बाय एफ सेवन नॉट। इसी तरह से सिमिलरली फाइव टू के लिए क्या लिख सकते हैं, टू क्यू प्लस फोर क्यू आ जाएगा, फोर क्यू बाय एफ सेवन नॉट ये हो जाएगा, ठीक है। तो फाइव वन रेशियो ऑफ फाइव टू, तो सिंपली मैं फाइव वन बाय फाइव टू लिख सकता हूँ, लिख देते हैं सिंपल से, हो जाएगा अपना टू क्यू बाय एफ सेवन नॉट, टू क्यू बाय एफ सेवन नॉट बाय फाइव टू इज इक्वल्स टू टू क्यू प्लस फोर क्यू बाय एफ सेवन नॉट। चलो दोनों को कट कर देते हैं, एफ सेवन नॉट क्यू क्यू फोर क्यू, तो ये क्या हो जाएगा अपना सिक्स क्यू, डायरेक्ट सिक्स क्यू लिख देते हैं, क्यू क्यू कैंसल, टू थ्री जा, तो ये कितना आ जाएगा फाइव वन बाय फाइव टू इज इक्वल्स टू वन बाय थ्री, मतलब फाइव वन बाय फाइव टू का रेशियो कितना आ जाएगा, वन रेशियो थ्री। कंप्लीट है, चलो एक इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों का रेशियो आ गया, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा है, चलो उसको रीड करते हैं फिर पता चलेगा क्या पूछा है। हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्पीयर एस वन चेंजेस, कौन से स्पीयर से बोल रहा है ये भी ध्यान रखना है, एस वन मतलब इनर मोस्ट स्पीयर से बोल रहा है, ठीक है। एस वन चेंजेस इफ द मीडियम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ई आर इन इंट्रोड्यूस बिटवीन द स्पेस ऑफ एस वन, ठीक है। यहाँ पास एस वन जो अपना स्पेस है, एस वन का क्या है, ये एक ब्लैंक स्पेस है, एक सरफेस ये हो गया, पूरा का पूरा सरफेस हो गया। अब इसके अंदर में जो ब्लैंक स्पेस है इसको अपन क्या कर दे रहे हैं, ई आर से भरे दे रहे हैं, मतलब एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका दिया है ई आर, उससे फिल कर दे रहे हैं, ठीक है। अपने को निकालना है इसमें दैट क्या अपना चेंजेस आएगा, ठीक है, फ्लक्स में क्या चेंजेस आएगा उसका एक्सप्रेशन को डिड्यूस करना है, मतलब एक्सप्रेस करना है। तो सिंपल सा अपने को क्या मालूम है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एफ सेवन नॉट, ठीक है। और ड्यू टू एनी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए उस सरफेस के अंदर, तो ये क्या हो जाता था, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एफ सेवन नॉट इंटू ई आर, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले रहे हैं वो मल्टीपल्स में हो जाता था, इनवर्स मल्टीपल्स में, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। सिंपल से ये बात तो अपने को मालूम है, तो का चार्ज की जगह सिंपल चार्ज की वैल्यू पुट कर दो टू क्यू, और इसकी जगह एफ सेवन नॉट इंटू ई आर, और ये आ जाएगा फ्लक्स, तो ये टोटल आ जाएगा अपनी वैल्यू। चलो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से कुछ दिया गया है, ठीक है, ये आपके लिए है, ट्राई करना, ठीक है, फिर बताना। स्पीयर एस वन ऑफ रेडियस आर वन, एक काम करते हैं इसका भी डायग्राम फटाक से बना देते हैं, चलो ठीक है, डायग्राम बन गया, फटाक से क्वेश्चन रीड करते हैं, सॉल्व करते हैं। स्पीयर एस वन ऑफ रेडियस आर वन इंक्लोजेस अ नेट चार्ज क्यू, एक स्पीयर अपने पास एस वन है जो कि रेडियस आर वन है और उसका चार्ज कितना है उसके अंदर प्लस क्यू, ठीक है। इफ देयर इज अनदर कॉन्क्रीट स्पीयर एस टू ऑफ रेडियस आर टू, एक है और एक ठोक स्पीयर दिया गया है जिसका रेडियस आर टू है, ठीक है, और यहाँ आर टू इज ग्रेटर देन ऑफ दैट आर वन, आर वन से ज्यादा है, इंक्लोजिंग द चार्ज टू क्यू, दो क्यू चार्ज इंक्लोज करता है, मतलब इसके अंदर कितना चार्ज है, टू क्यू चार्ज है। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एस वन एंड एस टू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, ठीक है, इन दोनों के रेशियो में, मतलब एस वन और सरफेस, एस वन सरफेस पे और एस टू सरफेस पे क्या अपने पास रेशियो मिलेगा वो बताना है। एंड हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एस वन चेंजेस इफ द मीडियम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इज इंट्रोड्यूस इन द स्पेस ऑफ एस टू इन प्लेस ऑफ एयर, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है सेकेंड केस के लिए, उसको थोड़ा देर में समझेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अपन पिछली बार यहाँ भर रहे थे डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इस बार यहाँ भर रहे हैं और अपने पास एस वन के ही सरफेस से पूछ रहा है, तो वो सेकंड आ जाएगा। तो इसका पहला पार्ट सबसे पहले इसका रेशियो फाइंड कर लेते हैं, रेशियो कौन सा, एस वन रेशियो ऑफ एस टू, सिंपल बोलो, या फिर फ्लक्स, दोनों के फ्लक्स के रेशियोज बोल सकते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है, दोनों में फ्लक्स बोलो सरफेस को बोलो दोनों एक ही आएगा। चलो तो फाइव वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाइव वन इज इक्वल टू क्यू बाय एफ सेवन नॉट,
ठीक है, क्योंकि जगह अपने फ्लक्स अगर मान लेता हूँ इसमें फिर से Q1 फ्लक्स है, फ्लक्स अरे इसमें फ्लक्स Phi1 फ्लक्स है, इसमें Phi2 फ्लक्स है, ठीक है ना। चलो यार तो क्यू बाय एफ सेवन नॉट, तो सिंपली Phi1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, क्यू की जगह अपन क्यू लिख सकते हैं और एफ सेवन नॉट की जगह एफ सेवन नॉट। इसी तरह Phi2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, Phi2 इज इक्वल टू क्यू प्लस 2Q बाय एफ सेवन नॉट, तो ये कितना आ जाएगा 3Q बाय एफ सेवन नॉट। तो इन दोनों का अगर रेशियो फाइंड करते हैं, यहीं पास से रेशियो फाइंड कर लेते हैं इनके साथ, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, क्यू क्यू कैंसल, एफ सेवन नॉट कैंसल, तो Phi1 टू दी Phi2, Phi1 रेशियो ऑफ Phi2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1:3, ठीक है ना। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, पहला क्वेश्चन सॉल्व सेम टू सेम पहले ही तरह था, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन कौन बताएगा, जो बताएगा एक बार ट्राई कर लो वीडियो पॉज करके फिर, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन में एक बार क्या बोल रहा है एक बार उसको भी सुन लो, कि दैट अपने को S1 के थ्रू क्या निकालना है, S1 सरफेस को थ्रू फ्लक्स निकालना है, ठीक है, जो फ्लक्स आएगा न्यू फ्लक्स जो क्रिएट होगा उसको निकालना है। अब अगर हम जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मान लेते हैं ER डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको इस स्पेस में फिल कर देते हैं, मतलब इस स्पेस में पूरे में फिल कर देते हैं, तो क्या चेंजेस आएगा ये अपने को फाइंड करना है। चलो सिंपल सा हो गया, वीडियो पॉज हो गया, कंप्लीट हो गया। चलो सिंपल सा किसका आंसर आया, जिसका आंसर आया एक बार मैच करना मेरे से, अगर आ गया सही तो भाई बहुत अच्छा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सेकंड पार्ट का अगर आंसर बोलते हैं यहाँ पास, तो भैया मैं बोलूंगा कोई चेंजेस नहीं आएगा, मैं नील बोल देता हूँ, DNIL, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आएगा, नो चेंजेस विल ऑकर। ऐसा क्यों, क्योंकि भैया अपना जो फ्लक्स S1 सरफेस पे निकालने के बोल रहे हैं, तो मान लेता हूँ ये S1 सरफेस का गॉसन सरफेस मेरा यहीं से है, ठीक है, तो ये चार्जेस जो है उस वही को वही कंसिडर करेंगे, क्योंकि जब हम फ्लक्स फाइंड करते हैं तो जहां पास गॉसन सरफेस के बाहर की एरिया से अपने को कोई लेना देना नहीं, यहाँ पास खुद ही अपने क्वेश्चन में बोल दिया कि अपने को S1 के थ्रू फाइंड करना है, और S1 में कोई चेंजेस किया ही नहीं, ठीक है, उसके अंदर कोई चेंजेस किया ही नहीं, तो भैया वहां पास तो फ्लक्स में चेंजेस जीरो आया है, ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं नो चेंजेस इट ऑकर। चलो तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर फटाक से आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 हो गया, इसी तरह से एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अ यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ अ रेडियस 2.4 मीटर डायमीटर हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80.0 माइक्रो कूलम्स चार्ज इन माइक्रो कूलम्स मीटर स्क्वायर इनवर्स, ठीक है, चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। इसके बाद पहली बात इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द चार्ज ऑन स्पीयर, पहला क्वेश्चन चार्ज ऑन स्पीयर मतलब कितना चार्ज इंक्लोज करेगा स्पीयर वो फाइंड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन एक बार समझ लो, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्पीयर है हमारे पास जिसका डायमीटर 2.4 मीटर दिया गया है, ठीक है, उस पर चार्ज डेंसिटी कितना है, चार्ज डेंसिटी 80 की है, चार्ज डेंसिटी 80 माइक्रो, मैं डस्टर ढूंढ रहा हूँ कब से। सिंपल सबसे पहले एक क्वेश्चन ड्रॉ कर लेते हैं इसके रिलेटेड डायग्राम। मेरे पास मान लेता हूँ ये मेरे पास एक शेल दिया है, ठीक है, स्फेरिकल शेल है, कंडक्टिंग शेल जिसका डायमीटर 2.4 है, तो डायमीटर अपने पास दिया गया है डायमीटर 2.4 मीटर, सो इसको अपन सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी सेंटीमीटर में कहाँ होगा यार, रात हो गई दिमाग नहीं चल रहा है क्या तेरा, मीटर्स में ही होगा, मीटर्स में दिया है तो मीटर्स में होगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1.2 मीटर्स। पहले बात क्वेश्चन का पहला पार्ट यहाँ पास अपन को समझ आ गया। नाउ हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा पॉजिटिव कितना दिया गया है 80.0 माइक्रो कूलम्स मीटर स्क्वायर इनवर्स। चलो तो सिंपली जो अपने पास चार्ज डेंसिटी की वैल्यू दी गई है वो किसमें है, माइक्रोस में दी गई, तो सिंपल उसकी वैल्यू उसी में लिख लेते हैं, तो 80 × 10⁻⁶ लिख सकता हूँ। चलो लिख सकते हैं एक इस बार जाएगा कूलम्स मीटर स्क्वायर इनवर्स, ठीक है। अब अपने पास मालूम क्या है, अपने को एक चीज तो मालूम है भैया, चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है,
चार्ज इज इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया होते हैं, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, सिंपल यही वाला फॉर्मूला यूज करो तो पहला क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन में अपने को चार्ज फाइंड करने का बोल रहा है कि कितना चार्ज टोटल चार्ज इंक्लोज करेगा ये सरफेस। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, एरिया क्या होता है स्क्वायर का 4 पाई आर स्क्वायर, तो इंटू 22/7 लिख सकते हैं इसकी जगह, और आर स्क्वायर तो आर रेडियस 1.2 इंटू 1.2 लिखो, सिंपल। चलो फटाक से सॉल्व कर देते हैं, इसके बाद अपनी जो वैल्यू आएगी वही आंसर। तो 80 इंटू 4 इंटू 22 इंटू 1.2 इंटू 1.2 ये आ जाएगा अपना कुछ इस तरह से, और इसको डिवाइड कर देते हैं 7 से, तो अपनी वैल्यू आ जाएगी 1.1448.22। अब इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 6 यहाँ पास दिया है, 10 टू द पावर माइनस 6 और कोई वैल्यू उसको तो अपन टच भी नहीं किए हैं, तो सिंपल 10 टू द पावर माइनस 6, और थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं 1, 2, 3, और सिंपली से 1.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 लिख सकते हैं कूलम्स, ये आ जाएगा। तो अपने पास इतना चार्ज इंक्लोज होगा एक स्फेरिकल शेल के अंदर, 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम्स। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, फिर इसी के सेकंड पार्ट देखते हैं, हो गया। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है, अपने क्वेश्चन पूछे हैं व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। टोटल फ्लक्स इसमें कितना होगा वो अपने को बताना है, टोटल फ्लक्स कितना लीव करेगा इस सरफेस के थ्रू, सिंपल। तो फाइव इज कश टू क्या होते हैं, फाइव इज कश टू क्यू बाय F7O, अपने पास तो अब क्यू की वैल्यू भी है, कोई टेंशन नहीं है, F7O की वैल्यू अपने को तो यूनिवर्सली मालूम ही है कितनी होती है। सबसे पहले क्यू की वैल्यू 1.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 दिया है, और क्यू F7O की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। चलो इसको भी सॉल्व कर देते हैं, तो अपना फाइनली आंसर आ जाएगा 1.44 डिवाइडेड बाय 8.85, ठीक है, ये आ जाएगा अपना 1.0.16। फ्लाई इज कश टू 0.16 और ये 12 ऊपर गया तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 12 में से 3 गया बचा 9, तो ये कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 9, और सिंपली 1.6 इंटू 10 टू द पावर 8 लिख सकते हो 5 इज कश टू। चलो तो इतना फ्लक्स अपना क्रिएट होगा, ठीक है, इतना फ्लक्स अपना क्रिएट होगा, तो एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर फाइनली ये चैप्टर भी क्लोज्ड होते होते रह जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्स इनवर्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्स इनवर्स, ठीक है, ऐसा यूनिट है। चलो एक स्क्रीनशॉट हो गया फटाक से, ब्लर तो मार रहा है अब नहीं मारेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आखिरी कर लेते हैं आज का, अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को टोटल दिया गया है एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो जो वैल्यूज दी गई हैं उसको लिखते जाते हैं, ठीक है। अपने को फाई की वैल्यू शुरू में इस क्वेश्चन में दी गई है, फाई इज कश टू माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम इनवर्स, पहली बात तो ये मालूम है। टू पा एंड अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसन सरफेस, पहले क्वेश्चन क्या है इसमें दिया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ पॉइंट चार्ज, इसमें पॉइंट चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करना है, सिंपल सा भाई, इसके बगल वाला क्वेश्चन को मत समझ लेना, ठीक है। स्फेरिकल सरफेस दोनों का सेम दिया है, इसका मतलब कुछ नहीं कि आप इसी को समझ लो, ठीक है ना, यही सरफेस मान लेना, इसमें फ्लक्स की वैल्यू इतनी है, तो अपने को चार्ज फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे के सारे इस टॉपिक से ना गॉसन थ्योरम से या तो आपको ड्राइव करने के लिए ज्यादातर क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए डेरिवेशन वाले नहीं करा रहा हूँ, ठीक है ना, उसका डीपीपी मतलब उसका क्वेश्चन के फॉर्मेट्स आपको
क्या मिल जाएंगे, पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कुछ रिविजन लेक्चर देख लेना, ठीक है। चलो तो यहाँ पास अपना चार्ज, चार्ज इज अ कस्ट टू क्या होता है, फ्लक्स इज अ कस्ट टू अपने को मालूम है क्यू बाय एफ सेवन नॉट, तो क्यू इज अ कस्ट टू फाइव इंटू एफ सेवन नॉट हो जाएगा। तो चार्ज इज अ कस्ट टू फाइव की वैल्यू कितनी गई है, थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर्टीन, और एफ सेवन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेल्व। चलो फटाक से इन दोनों को कैलकुलेट कर देते हैं, 8.85 इंटू थ्री ये आ जाएगा 26.55, तो Q इज इक्वल टू 26.55 माइनस और इंटू 10 टू द पावर 12, 14, 12 बन 24, 24 25, 26, 26 माइनस 26, सिंपल सा बात है। चलो तो सिंपल सा अपना क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, मतलब इतना चार्ज ये इंक्लोज करेगा, ठीक है, कंप्लीट। चलो अब इसी का सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं, तो अपना क्वेश्चन फाइनली कंप्लीट हो जाएगा फटाफट। इसी का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, इफ द रेडियस ऑफ अ गॉसियन सरफेस इज डबल, हाउ मच द फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। अगर गॉसियन सरफेस जो भी है अपना, गॉसियन सरफेस मतलब इसका स्फेरिकल सरफेस का रेडियस को ना डबल कर देते हैं, ठीक है ना। क्या बोला है, इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इज डबल्ड, मतलब यही गॉसियन सरफेस मतलब रेडियस डबल कर देते हैं, आर भी मान रहे हैं, आर है तो डबल करके इसको कितना कर देते हैं, टू आर कर देते हैं, कितना कर देते हैं, टू आर कर देते हैं, तो फ्लक्स में क्या चेंजेस आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, दे दोगे ना यार। चलो अपना आंसर ना हैशटैग एनएस से देना, बाय योर नेम आखिरी में, अपना नाम लिखना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अगले नए चैप्टर में, जय हिंद और जय भारत।